साथियों, जम्मू शौर्य की भूमि है, श्रम और श्रद्धा की नगरी है। आप सभी एक प्रकार से मां भारती की ढाल है। मां भारती के वो रक्षक हैं जो दुश्मन के गोलों और साजिशों का सबसे पहले सामना कर रहे हैं। आप सभी के बुलंद हौसले को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, आने वाली 11 अप्रैल को आप जब ईवीएम का बटन कमल के फूल के सामने दबाएंगे, तो उसकी आवाज देश के भीतर जमे आतंकियों के और आतंकियों के साथियों में खलबली मचाएंगे ही। लेकिन बात यहां अटकेगी नहीं, सीमा पार भी उसकी गुंज सुनाई देगी। सीमा पार आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है, डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकी भी 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं तो हैरान हूं, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के इस अभियान के बीच ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि ये वही कांग्रेस है जिसमें रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की थी। साथियों, मेरी आत्मा तो यही कहती है, नहीं, ये वो कांग्रेस नहीं है। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आप कल्पना कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं मोदी विरोध की जीत में कांग्रेस के नेताओं को देश का हित दिखाई देना ही बंद हो गया है? पूरा देश
हर देशवासी एक स्वर में बात कर रहा है, एक सुर में बात कर रहा है, और ये कांग्रेस के नेता दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा सुर अलाप रहे हैं। भाइयों बहनों, बालाकोट में आतंकियों पर, बालाकोट में आतंकियों पर भारत ने जो प्रहार किया, उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जो भारत के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, यहां जम्मू कश्मीर में भी सालों तक जो राज करते रहे वो भी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो भारत के गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस की ये भाषा आपको मंजूर है? पीडीपी की भाषा मंजूर है? एनसी की भाषा मंजूर है? अरे किसी भी देशवासी को ऐसी भाषा कैसे मंजूर हो सकती है जिसकी बातों से तालियां पाकिस्तान में बजती हो? आज आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा, सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है, वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। और ये महामिलावटी दिल्ली में आकर के बैठ जाए, क्या देश को ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? साथियों, कांग्रेस के नामदार के गुरु जो देश विदेश में उनके साथ रहते हैं, कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं, और वे बिना कोई संकोच, बिना कोई लाज शरम, बिना कोई लाग लपेट हिंदुस्तान की धरती पर टीवी मीडिया के सामने आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चीट दे रहे हैं। मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, जरा बताइए, जब गुरु ही ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे और चेले के साथी कैसे होंगे? दो तीन दिन पहले जो कुछ हुआ वह तो और शर्मनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार द्वारा अनाप शयान बयानबाजी की गई, ये पूरे देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है। क्या कांग्रेस का हाथ ऐसे ही लोगों के काम के लिए है क्या?
जो भारत के लिए अनाप शनाप बोले, जो पाकिस्तान का जय जयकार करे, और कांग्रेस इनको कंधे पर बिठा दे, ये आपको मंजूर है क्या? कोई देश इसको स्वीकार कर सकता है क्या? इनको भारत माता की जय कहने में समस्या है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की जय कहने में उन्हें गर्व हो रहा है।